हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पुनः जो है प्रैक्टिस सेट के अगले श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित UPTET और SuperTET के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के जो है 35 प्रश्न पत्रों को जो है हल करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, स्पीयरमैन ने बुद्धि के विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किस सिद्धांत का था, यही बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों, दो खंड का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता योम सामग्री का स्वरूप किससे संबंध है, ये बताना है। प्रश्न आप लोग पढ़ लिए होंगे, चलिए अब उत्तर को दिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा देखते हैं अगर आ जाए। हाँ, आ जाएगा, चलिए देखिए, सब दिख रहा है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरे में ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, 35 प्रश्नों को कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसीलिए जो है हम उसी ऑप्शनों को जिक्र कर रहे हैं जो सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम वक्र हमेशा कैसा होता है, ये बताना है, किस आकार का होता है, यही बताना है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी जो है, एस आकार का जो है अधिगम वक्र होता है। ठीक है दोस्तों, एस आकार का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साइमन बिने साइमन टेस्ट जो है बुद्धि परीक्षण किसके लिए बनाया गया था, ये बताना है। चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, तो चौथे में ऑप्शन नंबर डी जो है, उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो केवल ये बुद्धि के परीक्षण के लिए बनाया गया था, जो कि ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जाता है कि वह क्या करे या क्या ना करें। चलिए ऑप्शन में चारों ऑप्शन दिख रहा है, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या सही हो जाएगा, बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें सही हो जाएगा जो आपका, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि लब्धि यानी IQ क्या है, यही बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, या बौद्धिक योग्यता का ज्ञान कराता है। ठीक है, बौद्धिक लब्धि जो है बौद्धिक योग्यता का ज्ञान कराता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यही बताना है दोस्तों। तो बताइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है, सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो डी सही हो जाएगा, सत्य या असत्य जो होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चारों ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, तो बताइए इसमें लिखा है, जो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, ये बताना है। तो ये ऑप्शन देखिए चारों दिख रहा है आपको, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी, ये अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, सभी लोग जानते हैं बच्चा क्यों फेल होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग पढ़िए चारों, उसके बाद कमेंट में अपने उत्तर को लिखें। तो देखिए दोस्तों,
जब व्यवस्था फेल हो जाती है तो बच्चा फेल हो जाता है, यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि व्यवस्था फेल हुई है तभी बच्चा जो है फेल हुआ। जैसे हम किसी काम को करते हैं और उसका परिणाम नहीं मिलता है तो इसका मतलब हमारा कार्य करने का जो है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारी व्यवस्था जो थी वो गड़बड़ थी, इसीलिए हमको रिजल्ट नहीं मिला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों एक बात और हम आपको इसी प्रश्न के माध्यम से बता देते हैं, ये ट्यूशन की बात, सही तरीके से याद की बात और क्या कहते हैं योग्यता की बात जहाँ करता है, ये सारे आंसर हमेशा बच्चे के प्रति गलत होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ यानी जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, यही बताना है। आप 10 का जो है कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आश्चर्य राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके निहितार्थ देता है, निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है किसके सिवाय जो है, एक है जो नहीं देता है बाकी जो है देता है, यही पूछा जा रहा है उसमें। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक चुनौती क्या है, ये बताना है। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को घर का काम करने में लगाना जो है यही सर्वाधिक आवश्यक चुनौती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, तो दोस्तों इसमें जो है विद्यार्थी को घर का काम करने में लगाना का तात्पर्य यह है कि इसको गृह कार्य अगर दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा चुनौती वही होती है, नहीं तो आप लोग समझे कि घर का काम करने के लिए जैसे कोई हार्डवर्क, ठीक है, केवल JW जो होता है होमवर्क उसकी बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, ये बताना है। तो चलिए बताइए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखने लगे हैं, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखें। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुरस्कार एवं दंड क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुरस्कार और दंड क्या है यही बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है कृत्रिम प्रेरक है, ठीक है दोस्तों, ये जो है कृत्रिम प्रेरक है। अगला प्रश्न कहता है, जब एक शिक्षक एक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह क्या दर्शाता है कि अध्यापक कैसा क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें अध्यापक क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, यानी कि लिंग जो है जेंडर लिंग यानी जेंडर पक्षपाती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूति नियम संबंधित है, किससे संबंधित है यही बताना है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो हो जाएगा, तत्परता से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या होती है। तो सभी लोग जानते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत होते हैं दोस्तों। तो पहला जो होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है और यही जो है संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, ठीक। और दूसरा ये होता है, इसको क्या कहते हैं, पूर्व कालिक जो है कहते हैं, और इसको कहते हैं अमूर्त, और इसको मूर्त, इसको मूर्त कहा जाता है और इसको अमूर्त कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए राइट हो जाएगा, संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, आंशिक पुनर्बलन जो है कैसे क्या है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही हो जाएगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, यही बताना था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सफल अध्यापक वही होता है जो, तो ऑप्शन आपके सामने है, जो क्या करता है ये बताना है। तो जो बच्चों को स्वयं सीखने में सहायता करता हो वही एक सफल अध्यापक है, ठीक है। अगले प्रश्नों की ओर जब चलते हैं तो देखते हैं। अगला प्रश्न,
कहता है, यदि कोई परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार यह ही प्राप्तांक प्रदान करता है वह परीक्षण क्या कहलाता है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विश्वसनीय जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से यानी निम्न में कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, यही बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आदत जो होती है, ठीक है, जैसे संगत होगी वैसे आदत पड़ जाएगी, तो ये जन्मजात नहीं होती है, बाकी तीनों जन्मजात है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, विस्मरण का मतलब होता है याद ना रहना। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रवर्तन कौन थे, यही बताना है। तो 23 नंबर में सी जो है एबिंगहांस जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीखना क्या है, यही बताना है इस प्रश्न में। तो 24 में ऑप्शन नंबर बी जो है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन लाना, यही सीखना होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहें, और जो है कोई समस्या या सुझाव हो तो उसको भी आप लोग अवश्य बताएं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 25 क्या कहता है। वे परीक्षण जो छात्रों के की एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि की मात्रा का मापन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, यही बताना है। तो 25 नंबर में ऑप्शन नंबर सी जो है अभिरुचि परीक्षण, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है निम्नलिखित में से किसी समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, वो किस समूह के बच्चे हैं, तो ये बताना है। 26 नंबर में ऑप्शन नंबर डी जो है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होते हैं उनको समायोजन की समस्या होती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें लिखा है CBSE बोर्ड यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह, चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये है, चलिए दिखने लगा ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पढ़िए चारों ऑप्शन आप लोग और उत्तर को दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक मिनट, हाँ चलिए बताइए कौन सा सही है इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वे समूह कार्य के में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर इंगित यानी संकेत दे रहा है, यही बताना है। चलिए चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों बताइए 28 नंबर में ऑप्शन नंबर ए जो है औपचारिक चरण 4 यानी कानून और व्यवस्था की जो है संकेत की ओर संकेत कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बायगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, 29 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, ये बताना है। तो 29 नंबर में ऑप्शन नंबर बी जो है पारस्परिक शिक्षण, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। 14 वर्षीय देविका अपनी आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो वो क्या विकसित कर रही है, ये बताना है। तो 30 नंबर में ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो स्वायत्त की भावना को विकसित कर रही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में अपने सुझाव को जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको भी बताएं। तो दोस्तों वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हों तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हों हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को भी अपने शेयर करते रहें जिससे कि उनको जो है प्रैक्टिस सेट करने का मौका मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, आज के लिए धन्यवाद।